हाय फ्रेंड फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप SRP की कार्ड बनवाने के लिए उसके लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कैसे अपने अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल और इजी सा प्रोसेस है। इससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लें, पहले ही फ़ोटो क्लिक करके। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर 4 लाइनें मिलती हैं, आपको यहाँ पर टैप करना है और आप यहाँ पर नीचे जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर 4th नंबर पर है डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पर टैप करना है। सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का, आप इसके ऊपर टैप करें। जैसे ही आप टैप करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, आप देख रहे हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, ऐड कैटेगरी सर्टिफिकेट पे आपको टैप कर देना है। और अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट आप इनको मेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं, support@srpk.in पर। तो चलिए मैं यहाँ पर ऐड कैटेगरी सर्टिफिकेट पर टैप करता हूँ। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। आप यहां पे देख रहे हैं प्लस ऐड कैटेगरी सर्टिफिकेट टाइटल, और यहां पे सिलेक्ट फाइल टू अपलोड पे आपको टैप करना है। उसके बाद ये आपको मोबाइल की गैलरी में ले जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट मोबाइल से भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लिया है। रेजिडेंस, और आपको ऐड डॉक्यूमेंट पर टैप कर देना है। तो फ्रेंड्स आप ये देखेंगे यहाँ पे आ चुका है हरियाणा रेजिडेंस। तो फ्रेंड्स आप ये देखेंगे मैंने कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं इसके अंदर दो। उसके बाद ऐड कैटेगरी सर्टिफिकेट पे आप दोबारा टैप करेंगे और अब आपको यहाँ पे चेंज पे टैप करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करें, आईडी प्रूफ। उसके बाद आप सिलेक्ट फाइल टू अपलोड। तो मैंने यह आधार कार्ड अपलोड कर दिया है, नाम दे दिया उसको, ऐड डॉक्यूमेंट पे टैप कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप ये देखेंगे आधार कार्ड हमारा अपलोड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों फिर आप चेंज पे टैप करेंगे, फिर यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। हमने ऊपर कैटेगरी सर्टिफिकेट दोनों अपलोड कर दिए हैं और आईडी प्रूफ। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे टैप करेंगे और हम यहाँ पे सिलेक्ट फाइल टू अपलोड पे टैप करेंगे। और अब यहाँ पे हम 8th क्लास का डॉक्यूमेंट नाम दे दिया है मैंने 8th क्लास, और ऐड डॉक्यूमेंट पर टैप कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 8th क्लास का डॉक्यूमेंट अंडर रिव्यू में है। ये रिव्यू में रखते हैं दोस्तों ताकि आपकी फ़ोटो अगर साफ दिखी, आपकी फ़ोटो की, आपके डॉक्यूमेंट की फ़ोटो, तो वो पास हो जाएगा। अगर साफ फ़ोटो क्लिक नहीं दिखी तो आपको दोबारा अपलोड करनी होगी। फिर ऐड क्वालिफिकेशन पर टैप करेंगे, सिलेक्ट फाइल टू अपलोड। अब 10th का सर्टिफिकेट, 10th क्लास नाम दे दिया है, ऐड डॉक्यूमेंट। तो आप देखेंगे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। फिर ऐड क्वालिफिकेशन पे टैप करेंगे, ट्वेल्थ क्लास का। तो फ्रेंड्स इस तरह आप उसका नाम देके डॉक्यूमेंट का ऐड डॉक्यूमेंट पे टैप करेंगे आप। तो देखेंगे यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह ही आपको अपलोड करने और आपको ऊपर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे कैटेगरी चेंज करेंगे, चेंज पे टैप करके उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट कैटेगरी का। आपको यहाँ पे टैप करना है और आपको यहाँ पे अपनी स्किल्स यहाँ पे टैप करना है। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा कुछ भी है अलग से, वो आप स्किल्स पे टैप करके और यहाँ पे सिलेक्ट करें कंप्यूटर एजुकेशन,
और फाइल अपलोड पे आप टैप करें। अगर आपने कोई कंप्यूटर कर रखा है तो आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करें। तो आप देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। फिर दोबारा ऐड स्किल पे टैप करेंगे और अब आपको यहाँ पे चेंज पे टैप करना है। सिलेक्ट कैटेगरी, फिर क्वालिफिकेशन। आप स्टेप बाय स्टेप जो आपने चीज़ें की हैं वैसे ही आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग JEE, ये मैंने नाम दे दिया। उसको दोबारा ऐड क्वालिफिकेशन पे फिर टैप करेंगे। सिलेक्ट फाइल टू अपलोड। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप कैटेगरी वाइज अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हर कैटेगरी का जो भी आपने क्वालिफिकेशन की आप उसका नाम दें यहाँ पे। तो इस तरह आप सिंपली अपने मोबाइल से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन में सब क्वालिफिकेशन डालनी है, कैटेगरी में कैटेगरी, आईडी प्रूफ में आईडी प्रूफ डालना है, और जो कैटेगरी है वो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ चेंज पे टैप करके सिलेक्ट करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दें। तो सिर्फ सिंपल इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल से ही अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आपके काम आएगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर जरूर करना, ताकि हर कोई दोस्त भी अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से अपने SRP के कार्ड के लिए अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कर सके। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल का बटन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।